हेलो जय सो स्टूडेंट आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डी वेवलेंथ और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर बार जेई मेंस में इससे क्वेश्चन जरूर आता है सो so, स्टूडेंट सबसे पहले डी वेवलेंथ एक मैटर से एसोसिएटेड होती है डायरेक्टली फॉर्मला देखिए एच डिवाइडेड बाई पी पी एस मोमेंटम जिसको मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हो एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है अगर आप देखो कई बार क्वेश्चन में कैनेटिक एनर्जी दे रखी होती है तो आप मोमेंटम को लिख सकते हो रूट ऑफ टू टाइम्स मास इंटू कैनेटिक एनर्जी डायरेक्टली एक फॉर्मला बन जाएगा यहाँ से इसके अलावा कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता इनडायरेक्टली आता है जैसे कि किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस वी में वो एक्सेलरेट करता है वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटोन हो या अल्फा पार्टिकल तो आप देख सकते हैं या H M, बन जाएगा। और साथ साथ मैंने यहां इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन डिवाइड बाई रूट वी और ये जो वेन्थ आएगी दैट इज एनगेस्ट्रॉ तो ये हमने कैलकुलेट किया मास और चार्ज को करके इट इज अल्फा पार्टिकल इट इज अगेन जीरो पॉइंट बाई रूटवी इसके साथ साथ कभी कभी गैस मोलिक्यूल की बात करता है तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो फॉर मोर एटमिक इट इज थ्री बाई टू के टी और बाकी आप एनर्जीज निकाल के आप सब्सिट्यूट करके डी प्रोग्लाइड वेवलेंथ निकाल सकते हो दैट वॉज ऑल अबाउट वन मिनट वीडियो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो